हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर डेंजिलोम आइडियाज़। तो आज का हाउस प्लान है 30 फीट × 31 फीट, जिसका एरिया है 930 स्क्वायर फीट। इसमें 2 बेडरूम रहेंगे, तो इसको मैंने 3D में भी प्लान करा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस प्लॉट की जो चौड़ाई रहेगी वो 30 फीट रहेगी और लंबाई रहेगी 31 फीट। तो इस हाउस प्लान की मेज़रमेंट देख लेते हैं क्या रहेगी। तो वेटिंग एरिया की जो लंबाई रहेगी वो 13 फीट 6 इंचेस और चौड़ाई रहेगी 7 फीट 6 इंचेस। फिर डाइनिंग कम ड्राइंग की जो लंबाई रहेगी 9 फीट 6 इंचेस और चौड़ाई रहेगी 19 फीट। तो जो बेडरूम है उसकी जो चौड़ाई रहेगी फर्स्ट बेडरूम की सॉरी लंबाई जो रहेगी वो 13 फीट 6 इंचेस और चौड़ाई रहेगी 10 फीट। तो कार पार्किंग का भी अच्छा खासा एरिया दिया है, जिसकी लंबाई है 13 फीट 6 इंचेस और चौड़ाई है 10 फीट 6 इंचेस। अब इसके बाद आ जाता है आपका बाथ प्लस लेट। तो इसकी जो लंबाई है वो 4 फीट 6 इंचेस है और चौड़ाई रहेगी 9 फीट 6 इंचेस। और किचन की जो चौड़ाई है वो 8 फीट है और लंबाई रहेगी 6 फीट। तो बेडरूम जो चौड़ाई रहेगी वो 12 फीट रहेगी और लंबाई रहेगी 11 फीट। और स्टेयर्स और वेटिंग एरिया के बीच में जो स्पेस है वो 5 फीट का रहेगा और ये पूरा एरिया रहेगा 8 फीट का। और जो आपका जो स्टेयर स्टेप है वो 3 फीट का रहेगा और लैंडिंग की जो चौड़ाई रहेगी वो 3 फीट की रहेगी और ये एरिया रहेगा 8 फीट का। तो इसके नीचे भी आप स्टेयर के नीचे भी आप बाथरूम बना सकते हैं बाथ प्लस लेट। तो ये इधर से ऊपर जाएंगे तो आप फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएंगे इधर से। तो कॉलम देख लेते हैं कहाँ कहाँ रहेंगे। तो ये कॉलम हो गए और विंडोज देख लेते हैं। तो मैंने जो इंटरनल और आउटर वॉल ली है वो 6 इंचेस की ली है, उसी के अकॉर्डिंग मैंने ये पूरा प्लान करा है। तो अब जो नंबर ऑफ कॉलम जो है टोटल नंबर ऑफ कॉलम वो 15 है इसमें। अगर इसके कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात की जाए तो रहेगा 8 to 9 lakh रुपीस। तो अब देख लेते हैं कि इसका तो ये जो हाउस प्लान है जो वो 3D में कैसा दिखेगा। तो आइए, तो गाइज ये है बाहर से इसका ओवरव्यू इस 3D हाउस प्लान का। तो चलते हैं घर के अंदर। तो ये वेटिंग एरिया रहेगा आपका, या फिर आप यहाँ पर अपनी बाइक भी खड़ी कर सकते हैं, 2 बाइक आराम से खड़ी हो जाएंगी यहाँ पे, अच्छा खासा स्पेस है। फिर ये डाइनिंग आपका डाइनिंग या ड्राइंग जो भी आप उसमें करना चाहें। ये बेडरूम भी अच्छा बहुत अच्छा स्पेस दिया है। तो अब चलते हैं हम सेकंड बेडरूम की तरफ। तो सेकंड बेडरूम में हमने जो दिया है वो अटैच बाथरूम दिया है इस हाउस प्लान के अंदर, सेकंड बेडरूम से अटैच। तो इस बाथरूम की जो मेज़रमेंट है वो 9 फीट 6 इंचेस चौड़ा है और लंबाई 4 फीट 6 इंचेस है, जो कि बहुत अच्छा मतलब स्पेस है। और ये आपका बेडरूम के साथ ही किचन हो गया हॉल से जैसे ही आप अंदर आएंगे। तो किचन का भी साइज़ काफ़ी अच्छा दिया है 6x8। अब चलते हैं हम जो स्टेयर्स के नीचे मैंने आपको बताया था स्केच के अंदर कि आप वहाँ पर भी बाथरूम बना सकते हैं। तो मैंने ये दिखाया कि वो कैसे लगेगा वो बाथरूम जो अंदर, ये कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। तो अब एरियल व्यू देख लेते हैं इसका। तो ये एरियल व्यू रहेगा इसका। तो आई होप गाइस कि आपको ये पसंद आया होगा हाउस प्लान। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू हाउस प्लान के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।